नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के रामपुर में, जहां पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। यहां पर समाजवादी पार्टी से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं मोहम्मद आजम खान, जो कि यहां से 8 बार के विधायक हैं और चर्चित नेता हैं रामपुर के। उनके समकक्ष हैं, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रही हैं वो बीजेपी की जया प्रदा, जो खुद यहाँ से रामपुर से 2 बार की सांसद है और समाजवादी पार्टी से वो सांसद रही हैं। हम ये जानते हैं यहाँ के मतदाताओं से कि क्या है उनकी राय रामपुर को लेकर, वो किसकी तरफ कहते हैं इस बार पक्ष में है, किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। आप बताइए कि इस बार के माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है रामपुर? इस बार चौहान माहौल, चौहान का गठबंधन है और मतलब ये कि अखिलेश यादव, मायावती जो हैं, ये मतलब इनका गठबंधन है और इन्हीं को वोट मिलेगा। जितने भी पब्लिक यहाँ पे इन्हीं के लिए जोर कर रही है, आजम खान को बनाना चाह रही है। आजम खान जो है बहुत वोटों से जीतेंगे, करीब करीब 2-3 लाख वोटों से जीतेंगे। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आजम खान यहाँ से 8 बार के विधायक हैं, कितना इतना वो लोकप्रिय क्यों है यहाँ पर? जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, उनके जुबा पर आजम खान का नाम है, तो वो क्यों है? आजम खान के नाम पर यूँ है कि वो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, कार्यकर्ता मतलब विकास कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, काम कराते हैं यहाँ पे जितने भी लोगों के सबको, और काम भी बहुत करा है और यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी है, हर चीज़ बहुत बनवाई है उन्होंने, आजम खान है, बहुत विकास है उनका, रोड बहुत अच्छे करा दिए यहाँ, रोड बहुत अच्छे करा दिए, और वोट भी कम से कम 2.5-3 लाख से जीतेंगे ये, इससे कम का कोई सवाल ही नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पहले के दो जो यहाँ से 2 बार के सांसद हैं, जिसको कहा जाता है कि आजम खान ने उनको सांसद बनवाया, जया प्रदा, वो भी यहाँ से चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट से। ये वो सपा से थी, वही हम भी कह रहे हैं सपा से थी। आजम खान ने क्या जाता है? आजम खान ने उन्हें जिताया है और उन्हीं की वजह से सांसद बनी जय प्रदा जी, और दोबारा भी वो उन्हीं के उस पर, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दिया। आज उनके साथ कोई नहीं है यहाँ पे, जो है आजम खान कम से कम 2 लाख से ऊपर वोटों जीता जी, क्योंकि उनका विकास है। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ इतनी गंदगी होती थी, सब कुछ था, आज देख लें आप पूरे में सब में सफाई है यहाँ जी। लेकिन वो विकास कराते हैं, बेहतरीन कराते हैं, पब्लिक खुश रहती है, और ये यहाँ से 2-3 लाख वोटों से जीतेंगे आजम खान जी। बढ़िया है, बढ़िया है, और नेता अच्छे हैं हमारे, बढ़िया है। आज आजम खान ने बहुत भावुक अपील की जनता से कि मेरे ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि हाँ, मैं जिस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया जाता है उनके खिलाफ, जो विपक्षी नेता हैं, उस पर क्या आप लोग मानना है, क्या उनकी बातों पे आप इत्तेफाक रखते हैं? ये सही है, उनके साथ जास्ती हुई है, हर बात में जास्ती कही है। उनके असला निरस्त कर दिए थे, उर्दू गेट गिरा दिया, यूनिवर्सिटी की दीवार गिरा दी, स्कूल में बच्चों को कान पकड़ उठाए, बात बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं कह रहे हूँ, तो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, सत्ता में उनके साथ वो गलत हो रहा है। पानी, टंकी का पानी बंद कर दिया, टंकी का पानी भी बंद कर दिया, 72 घंटे का ऑफ लगा दिया, ये थोड़ा करा उनपे बोलने के लिए, पाबंदी 72 घंटे की लगा दी। सारे नेता बोल रहे हैं, सारे नेता बोल रहे हैं, सिर्फ एक आजम खान के ऊपर लगाया 72 घंटे का आरोप, वो गरीबों। अच्छा ये आप बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि मोदी जी की सेना कहते हैं, अली बजरंग बली की बात करते हैं, उनपे भी लगा, और वही प्रधानमंत्री भी कहते हैं कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनपे एक्शन नहीं होता, आजम खान पे हो जाता है? नहीं, आजम खान पे ज्यादा हो रहा है एक्शन, उनपे कहाँ हो रहा है एक्शन, सभी पे होना चाहिए, ये तो एक्शन सभी पे होना चाहिए ना, एक समान सभी के लिए, भाई एक ही सब, क्योंकि कोई भी गलत भाषा ना बोले, कोई भी पार्टी का हो, चाहे आजम खान हो या योगी जी हो, मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री जी हो, गलत नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए, गलत तो हाँ। गलत। अभी तो जनता का फैसला, जनता वोट खुद दे रही है, रामपुर से तो आजम खान के अलावा कोई जीतने ही नहीं है। हाँ, अच्छा आप ये बताइए कि 1999 में यहाँ पर आखिरी बार मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ से सांसद थे, उसके बाद जितने भी यहाँ से सांसद रहे हैं वो सभी नॉन मुस्लिम रहे हैं, जबकि यहाँ की जो जनता है वो ज्यादातर मुस्लिम है, तो ये क्या वजह है कि यहाँ से नॉन मुस्लिम ही? यहाँ पर ये वजह है, 2 बराबर से खड़े हो जाते हैं, कट जाते हैं, इस वजह से सीट नहीं आ रही थी, अब कैसे आजम खान खड़े भी कब हुए? आजम खान पहली बार अब खड़े हुए हैं और अब गठबंधन से सॉलिड निकल रहे हैं, आजम खान यहाँ से जीत रहे हैं, और आजम खान आपके कहने का मतलब ये है कि आजम खान 1999 के बाद सांसद यहाँ से बनवाते रहे हैं, जिसको उन्होंने चाहा उसको उन्होंने सांसद बनवाया, आज वो पहली बार चुनावी मैदान में। हाँ, जय प्रदा को भी बनवाया था उन्होंने दोनों बार, और अब जय प्रदा मुकाबले में आ रही है, हार रही है जय प्रदा, यहाँ से बहुत बुरे वोटों से हारेंगे यहाँ से। आजम खान ने रामपुर में बहुत काम करा, बहुत अच्छे आदमी आजम। अच्छा, जो यहाँ के जो मौजूदा जो सांसद हैं,
जो यहाँ के मौजूदा सांसद है इस वक्त, उन्होंने 5 साल में क्या काम किया? उन्होंने यहाँ पर 5 साल में कोई बयान भी नहीं आया, कोई बात नहीं करी रामपुर में किसी की सूरत, तो मैंने भी नहीं देखी आज तक उनकी सूरत, जिले में कहीं भी दिखाई नहीं दिए वो। हाँ, ना उनका कोई काम है जी, कोई काम नहीं किया उन्होंने, यही होगा इसी वजह से वो तो जीत के जाके बैठ गए, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, कोई काम नहीं, जनता के बीच में भी आने खड़े नहीं हुए। मोदी सरकार ने आप देश की जनता से वादा किया था कि वो अच्छे दिन लेकर आएगी, क्या अच्छे दिन रामपुर के आए? नहीं, कोई अच्छे दिन नहीं आए, 15 लाख काजगार बर्बाद हो गए, काजगार बर्बाद हो गए, काजगारों को बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है, काजगारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या वो नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद हुआ या फिर पहले भी? देखिए, पहले नहीं, नोटबंदी जीएसटी है, अरे गन्ने का पैसा नहीं मिले, हमारी फसलों का पैसा नहीं मिले, हम लोग परेशान है, हम भी तो किसान है सारे लोग, तो बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया। रुपए वायदा करा था जो कि मोदी साहब ने, 15 पैसे नहीं आए, अरे वो नहीं दिया, हमारी मेहनत का तो हमें दें, हमारी मेहनत का भी नहीं मिले हम लोगों को। योगी सरकार ने खुद यहाँ पे किसानों से वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो वो गन्ना किसानों का जो बकाया राशि है 10,000 करोड़ वो उनको वापस करेंगे, क्या वो अभी तक मिला? कहाँ मिला है बताया? कहीं नहीं मिला, आप देख ले, नहीं मिला हम लोगों को। अपने हर भाषणों में कहते हैं कि नहीं, हमने गन्ना किसानों का कर्जा हमने माफ किया। देखिए, वो तो जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है, बस लोगों, जनता को ये हमारे वादे पूरे करें। योगी सरकार ने अपने हर वादे पूरे करे, लेकिन हमारा वादा कोई पूरा नहीं किया। वो चल खाना वो कही थी कि बंद होंगे 24 घंटे में, तो बंद होगा 24 घंटे में, और लोन माफी का देके वायदा करके, और आज तक माफ नहीं लोन हुआ हमारा नहीं हुआ। हम डायरेक्ट खाने को 24 घंटे में बंद करवा दिया गया, लेकिन जिस लोन माफ नहीं किया योगी सरकार ने, कोई वादा पूरा नहीं करा मोदी सरकार का, कोई वादा पूरा नहीं हुआ आज तक। जो 15 लाख रुपए फी खाते में हिंदुस्तान के नागरिक के जाने थे वो नहीं पड़े ना। गैस कनेक्शन मिला है आप लोगों? गैस कनेक्शन 800 रुपए कराया मैंने, 800 रुपए में कराया हमने, करा सर। हो जाती है उसके बाद ना एसटी, वो नहीं आ रही, सब्सिडी नहीं आ रही खाते में हमारे। और जो 15 लाख रुपए कहा था वो नहीं हुआ, अच्छे दिनों को वादा करा था, अच्छे दिन आएंगे, वो कहाँ आए कि 60 साल वाली सरकार से हमें 60 महीने दिलवा दो अच्छे दिन आएंगे, तो कहाँ अच्छे दिन हमारे। कितनी उम्मीदें आपको गठबंधन से, अखिलेश यादव और मायावती से, कितनी उम्मीदें हैं इनसे कि हमारे वायदे पूरे करते हैं? हम खास कर भी इन्होंने वायदे पूरे करे थे, अखिलेश ने भी, मायावती ने भी, सबने इन्होंने वायदे पूरे करे थे। हमारे मंत्री जो थे यहाँ पे, मतलब ये के आजम खान, इन्होंने विकास भी कराया पब्लिक के लिए भी, जो भी मतलब कोशिश बराबर करी, और मंत्री भी मतलब ये के कुछ भी नहीं, 40 साल से मंत्री बनते चले आ रहे हैं, तो पब्लिक को पसंद है रामपुर का विकास, वो आजम खान को चाहते हैं। एक बात बताइए कि आप लोग सभी लोग समाचार देखते ही होंगे टीवी पर, अखबार पढ़ते ही होंगे, तो जिस तरीके से उसमें जो फिगर दिखाई जा रही है कि एक सत्ता दोबारा से मोदी जी की आ रही है, तो उस पर कितना विश्वास है आप लोगों का? ना, उस पर नहीं है कोई विश्वास। हार रहे हैं यूपी में, 50 सीटें यूपी में हार रहे हैं, और 50 सीटें पूरे भारत में हार रहे हैं मोदी जी। नहीं, मेरी सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। 100 सीटें हारे, जो मीडिया के जो आंकड़े आ रहे हैं कि वो गलत आ रहे हैं। 50 सीटें गठबंधन और कांग्रेस लेगी यूपी में, और 50 सीटें मोदी जी पूरे देश में हारेंगे। एक अगर 27 सूबे हैं पूरे भारत के, एक सूबा के 29 में एक तो गवर्नमेंट निकाल दिया, यूपी तुमने कह दी कि यूपी निकाल लो, 28 बचे, 28 में से अगर एक सीट भी हारेंगे, दो भी हारेंगे, तो भी हार जाएंगे यहाँ पूरे भारत से। यानी कि अगर यूपी हारे तो वो फिर दिल्ली हारे। अगर 50 सीटें लगभग यहाँ हारे तो अब 27, अगर सूबे बचे यहाँ के, तो 27 सूबों में अगर एक सीट भी हारे और दो भी हारे, तो भी सरकार नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस ने भी कितने 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है। कांग्रेस देगी 6,000 रुपए महीने के। तो लेकिन अगर कांग्रेस देगी तो आप कहते वोट किसको दोगे? आप आजम खान को दोगे? आजम खान को देंगे, वोट तो आजम खान को देंगे, आजम खान को वोट देंगे, आजम खान को। हाँ, साइकिल पे वहीं जाएंगे गठबंधन में, मंत्री जी को देंगे, आजम खान को देंगे, मंत्री जी को। गठबंधन जो है, गठबंधन से मजबूत है, आजम खान को देंगे सरकार। गठबंधन यहाँ तो जितनी भी देंगे वोट, सब आजम खान का वोट देंगे जी। ये कहा था 15 लाख रुपए मिलेंगे,
15 रुपए नहीं आया आज तक, बेरोजगार बहुत है, झूठा वादा करे थे झूठा ही वादा कर रहा था। अभी 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 हम लोग यहाँ पे चाय के दुकान पे खड़े हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि चाय के दुकान पे खड़ा होकर के आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या संदेश देंगे? क्या संदेश दे, उन्होंने कोई अच्छा काम तो करा नहीं आज तक। अगर चाय पर आ गए तो वो चाय के घोटना शुरू कर दी उन्होंने, अब वो चौकीदारी आ गई चौकीदारी घोटना शुरू कर दी। और एक कभी कहेंगे मैं तो फकीर हूँ झोले का निकल जाऊँ, मेरा क्या है, तो कहाँ को निकल जाऊँ झोले का, ऐसे रंग देश में ही साहब किसी का कोई राग नहीं है। एक आजम खान खान का इनसे हट के किसी का कोई राग नहीं है, कोई राग नहीं है। बोलिए बताइए आपके मतलब क्या विकास हुआ है यहाँ पर, क्या आप चाहते हैं? कोई विकास नहीं हुआ है, कोई नहीं। यहाँ पे दुकानदारी को उनको दिक्कत हो रही है, बाहर आ जाइए बाहर आ जाइए। बताइए कि आप मतलब कि आप किसको जिताने वाले हैं, आप आजम खान को? आजम खान विकास बहुत कराते हैं रामपुर में और हर जगह विकास कराते हैं, और बीजेपी ने धोखा दिया जुमलेबाजी सरकार। 15 लाख का वादा करा वो नहीं दिए, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा वो नहीं दी, कुछ नहीं दिया। और जाति धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, इसलिए दे रहे आजम खान। आजम धर्म के नाम पर अगर आपसे वोट मांगे जाएंगे तो आप उनकी बातों में आएंगे? नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, हम सबको लेकर चलने वाले, आजम खान सबको लेकर चलते हैं, हिंदू मुसलमानों को सबको लेकर चलते हैं। यह भाईचारे से दे रही, यह वो गुलदस्ता है जिसमें सारे फूल हैं। अच्छा, कल मुरादाबाद में आजम खान ने वहाँ से वहाँ की जनता से अपील की कि आप लोग समाचार चैनल देखना छोड़ दीजिए कम से कम जब तक चुनाव हो रहे हैं। जी जी, तो वो उन्होंने कहा कि उनकी जो बातें हैं उस पर आपको तो भरोसा मत करिए। आप लोगों को कितना भरोसा? सही बात है, देखो नहीं सही छोड़ दो, जो गलत बात है सही बात देखो, गलत बात छोड़ दो, जो गलत बात है जो कि तोड़ मड़ोड़ के बात को झूठी बात को पेश कर रहे हैं उस बात को छोड़ दो, जो सही बात है उसको देखो, उसको दिमाग में डालो, सही बात है। और ये इस सरकार को गिराना है सेंटर से, सरकार जुमलेबाज है, सही सरकार नहीं है। किसी जगह अगर सच्ची उतरी हो तो बताओ, इस सरकार को भी हम वोट दे देंगे, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन उसके विकास से इतराज है। उसने कहीं हिंदुस्तान में विकास करा हो तो आप बताइए, आप अपने चैनल से कहीं निकाल के बताओ कि क्या करा है, कोई काम करा है? और तो कुछ बताइए आप लोग तो नहीं भाई, तो करा ही नहीं है हमारी नज़र में। 15 लाख दिए नहीं दिए, कोई चीज दी हो तो बताइए। रामपुर में तो विकास, रामपुर में झूठा, रामपुर में विकास झूठा वादा कर रहा है, जो हुआ है वही हुआ है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ, आज लोग कोई विकास नहीं हुआ। और धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, काम के नाम पे वोट मांगे, धर्म से कोई मतलब नहीं। अगर अगर मान लीजिए अगर रामपुर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर चुनावी सभा के लिए आते हैं तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे जो उनकी जुमलेबाजी है, जो उनका झूठ है, यही उनसे पेश करेंगे कि भाई तुमने झूठ बोला, कोई काम नहीं करा देश के लिए, पूरे देश के लिए, बताइए कहीं काम करा हो तो वो बता, मैं आके गिनवा में उनका कोई आदमी। लेकिन लेकिन मोदी जी के जो समर्थक है वो तो कहते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बहुत हुआ। जब बड़े भाई जिनका लीडर झूठ बोलता है तो उनके उनकी पब्लिक भी झूठ बोलेगी, जब उनका लीडर झूठ बोलेगा जुमलेबाजी करेगा तो पब्लिक जाहिर सी बात है कि उनके जितने भी समर्थक हैं वो जुमलेबाजी करेंगे, समझ गए? अच्छा, ये लगभग दो साल से ज्यादा हो गए हैं योगी सरकार को, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? योगी सरकार वो कौम परस्ती पे जाते हैं, धर्म ईमान पे जाते हैं। धर्म ईमान से क्या मतलब, उन्होंने ये कही थी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ कहाँ है, कहाँ है सबका साथ? और विकास का साथ नहीं है, जो भी बात करते हैं वो कड़क करते हैं, ठोक दो मार दो, ये कोई बात है प्रधान उसकी नहीं होती है मुख्यमंत्री की। जी क्या बताओ, विकास कहाँ है आप लोग बताइए कि क्या 5 साल के अंतराल में विकास हुआ है? विकास सिर्फ आजम खान ने कराया और किसी ने नहीं कराया रामपुर में। देश में बताइए, देश में विकास हुआ आप बताइए? कुछ विकास नहीं हुआ, देश में विनाश हुआ, कौन परस्ती काटा है? इस पुल का ही काम रोक दिया इनकी सरकार आते ही, सबसे पूरी पब्लिक परेशान है, टांडा 76 के सब पब्लिक ना परेशान, तो उस दिन से जिस दिन पुल का काम बढ़िया हो रहा है, जिस दिन से इनकी सरकार आई है बताओ पुल का काम हुआ? सारे काम पट पर है पुल टूटने से, योगी जी की सरकार ने कोई कार्य नहीं करा हमारे रामपुर के ताई, पुल टूटने से हमारे इलाका के रामपुर नहीं 250 गांव रुके पड़े हैं आने से रामपुर को, तो दुनिया में घूम के आते हैं मुरादाबाद होके,
क्या इंतकाम लिया हम सुनो ने ये क्यों बोल। अच्छा आजम खान साहब ने वो तुड़वाया था, वो तुड़वा के बनवा दो रहे थे, वो दोबारा तो बनवाने वाले को इतनी सजा क्यों दे जा रही है? आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं, आप लोग बताइए रोजगार है आप लोग? हमारे पास नहीं है, युवाओं को बेरोजगार, रोजगार तो बर्बाद कर दिया मोदी ने, जीएसटी नोटबंदी करके भाई से बेरोजगार हुआ बैठा हूँ। यशपाल भाई बोल रहा हूँ, हाँ जीएसटी नोटबंदी करके मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया और मैं बेरोजगार हुआ बैठा हूँ। मेरे ऐसे युवा कम से कम लाखों युवा बेरोजगार हो गए। क्या नुकसान हुआ था आपको बताइए? मेरी कंपनी बंद हो गई नोटबंदी से, मेरी कंपनी नोटबंदी से बंद हो गई। विस्तार से बताइए कहाँ पे आपका कारोबार था, कहाँ पे क्या? मैं काशीपुर में ब्रांच मैनेजर था, मेरी कंपनी जो है नोटबंदी से, मेरी नोटबंदी से उसने नोटबंदी करी मोदी ने और नोटबंदी से मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, बर्बाद हो गई, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मेरी कंपनी बंद हो गई बिल्कुल। किसी ने फिर आपसे जी किसी ने आपसे कोई बात आपसे फिर कोई बात नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप सुनने वाला कोई नहीं, विकास की बात करो, विकास हुआ क्या? रामपुर में जो काम समाजवादी ने करा दिए उन पर रही नहीं हो पाया आज तक बीजेपी से, 5 साल में 2 साल सरकार हो गई लेकिन रही नहीं हो पाया उनसे आज तक, काम तो अलग रही और उनसे क्या काम से जल रहे हैं ये लोग तो, और विकास का तो मतलब ही नहीं है। क्या वादा करता है लोगों ने कि 15 लाख खाते मांगे, 2 करोड़ को नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं हुआ आज तक, सब झूठे बातें हैं, सब कुछ नहीं, बेवजह बेवकूफ बना रहा है, धोखा कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया कि व्यापारियों को हम 50 लाख रुपए देंगे, क्या उस पर भरोसा आप लोग? बिल्कुल भरोसा नहीं है, उन्होंने तो यही वादा करा था कि 15 लाख गरीब खाते मांगे आएगा 15 लाख रुपए, 2 करोड़ को नौकरी मिली आज तक, कितने नौकरी मिली? कोई नौकरी नहीं मिली, ये सब झांसा है, सत्ता पाने का हथियार है इनके पास, ये कोई नौकरी नहीं है, सब बेवजह धोखा दे रहे हैं ये, कुछ नहीं है। वो लोग कौन है जो लोग ये लोग कहते हैं कि नहीं मोदी ही आएगा दोबारा? ये सब लोग गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक में भ्रम फैला रहे हैं कि मोदी आएंगे, क्यों पब्लिक बढ़ जाए, अब पब्लिक सब चालाक समझ चुके, बढ़ने वाला कोई नहीं है, सब समझ चुके हैं, सरकार जो है दोबारा इनकी नहीं आएगी, सरकार दोबारा कहां सत्ता आ रही है, कहां सत्ता आ रही है? आज पूरा रामपुर जाम हो गया, 10 किलोमीटर पहले बस रोक दी गई, यूपी में सफाया होगा, 70 सीटें जीतेगा गठबंधन, 70 सीटें जीतेगा गठबंधन, और केंद्र की रास्ता यूपी को खुलती है और यूपी में सफाया होगा, सिर्फ दिख रहा है ना आज के रैली से पता लग जाएगा कितनी पब्लिक आ जाएगी, सब पता लग जाएगा ना, बौखलाए हुए हैं सब, ये कोई विकास नहीं हो पाया, सब कागजों में विकास हो रहा है, इतने बड़े चालाक लोग हैं ये कि इन्होंने अब तक मंदिर का मुद्दा चलाया, अब मंदिर को लोग समझ लग धोखा नहीं आएंगे, एक बार में मंदिर के बहाने सत्ता हत्या ली, पुलवामा कांड करा के जान बूझ गए उन्होंने और पब्लिक को भड़का दिया। राष्ट्रवादी नहीं कहा, क्या देश ही नहीं कहा है, क्या मोदी का देश है, क्या मोदी के लोगों का देश है? हमारा देश नहीं है, हमारा 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 जो गठबंधन का प्रत्याशी, गठबंधन का प्रत्याशी अगर प्रधानमंत्री बनेगा वो देश नहीं चलाएगा, वो देश नहीं चलाएगा, वो भी देश। ईवीएम पे आप लोगों को कितना भरोसा है, जो जिस तरीके से आरोप लगते हैं ईवीएम पे कि हाँ ईवीएम में धांधली हो सकती है, नहीं ईवीएम पे तो हो सकता है आपके साथ भरोसा, क्यों चुनाव है वो नहीं तैयारी कर, ईवीएम में हो सकता है टेक्निकल खराबी के कारण कमी आ जाती है, ये कुछ नहीं, ईवीएम सही चल रही है, जहाँ पर सही होगी तो वहाँ पर सही बताई जाएगी और जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ पर गड़बड़ी बताई जाएगी। जहाँ की बात है युवाओं की, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा करा था, जबकि आज के एग्जाम देता रिजल्ट आता है, जिस दिन से योगी सरकार आई है वो कारोबारी ना दिया है किसी, एग्जाम युवा एग्जाम देता है और रिजल्ट आता है उसका, और उसका रिजल्ट आने के बाद कैंसिल हो जाता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर कैंसिल हो जाता है। मैं लोको पायलट क्लियर कर चुका हूँ, सेकंड एग्जाम भी क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन रिजल्ट कैंसिल हो गया, उसका भी इन्होंने फिर दोबारा देने का वादा करा, जबकि पूर्णांक 100 का होता है और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धांधली करी जा रही है, 100 के बाद मतलब 110 पूर्णांक आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? पूर्णांक 110 नंबर कहाँ से आ जाते हैं ये बताइए, 100 का पूर्णांक होता पेपर में 110 नंबर कहाँ से आ जाते हैं? जो जवाब लेते इनके जो मतलब जो पैसे देते हैं उनको रोजगार दे देते हैं वही पास होते हैं पेपर में, एक से एक टैलेंटेड बच्चा पढ़ा है उनकी मेरिट इस हिसाब से लगाते हैं, जो बच्चे इन्हें पैसे देते हैं उनको पास कर देते हैं, जो बच्चे 98 100 का पूर्णांक है 70 70 नंबर लाने के बावजूद भी फेल कर दे रहे, क्या हो रहा है ये सरकार क्या कर रही है? जो पैसे दे रहे हैं वो पास हो रहे हैं, आरक्षण के नाम पर कहते हैं आरक्षण, अरे आरक्षण हम मन कर हमें आरक्षण मत दो पर सबको समान समझो, क्या दलित लोग इतने उत्पीड़न हो रहा है, इतने नीचे गिरे हुए हैं, दलित के नाम पे कहते हैं आरक्षण, हम नहीं चाहते, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, सबको एक समान आरक्षण दीजिए, पर सबको एक समान भी तो समझिए, ये क्या दलित का तुम नीचों पे हमारे सामने नहीं बैठ सकते, क्यों नहीं बैठ सकते? क्या कहा हिंदू चुनाव के समय में दलितों के पास आते हैं हिंदू 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 और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दलितों पर अत्याचार करते हैं, उनके घर तोड़वाते हैं इधर उधर। हमें ये बताइए क्या कमी है जो मंदिर में नहीं जाने देते, क्या कमी है हमें ये बताइए? मंदिर में जाते हैं और मंदिर के जब जाते हैं तो उसे ठुकरा देते, मारते हैं, दलित है तो अछूत है,
क्या दिक्कत है हमें ये बताइए, भेदभाव अभी भी आप लोगों के साथ हो? हमें दिखता है अब भी भेदभाव है, बहुत से गांव अभी ऐसे हैं जहां दलित की बेटी निकलती नहीं है इन ऊंची जातियों के सामने, अपने वो घर में रखते हैं, अगर वो देख भी लेते हैं उसे तो उसके जो नंगे कपड़ों में रहती है उसे, आज भी ऐसी स्थिति कई बहुत सारे जिले हैं जो है आज भी, और ऐसी ऐसी स्थिति को सबका साथ सबका विकास का जो नारा है क्या वो सफल लगता है? कोई सफल नहीं है, सब कुछ झूठा है, सब जुमला दिखा रहे हैं, चोर है ये हम खुल के कह रहे हैं, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, चोर क्यों है जरा बताइए आप लोग, ये बताइए 20-20 करोड़ रुपया लेके भाज रहे हैं विदेशी, कहाँ जा रहे हैं? अभी अंबानी का क्या करोड़ रुपया माफ किया है? 15 करोड़ रुपया माफ किया, गरीबों का अगर माफ कर देते तो देश कहाँ पहुँचता? रक्षा मंत्री राफेल राफेल नीरव मोदी लेके भाग गए, कौन कौन लेके भाग गए, सब भाग गए, चौकीदार चोर आ रहा है, पैसे डलवाएंगे, जीरो बैलेंस में पैसे डलवाएंगे, ये कहाँ की बात कर रहा था, कहाँ है वो, कहाँ है पैसे, गरीबों को करवा क्यों दूर रहे, मुझे ये बताइए, वो भी होना चाहिए, इतना 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 पैसा ये भी इनका कर्जा, सपा बसपा ने आप लोगों के लिए क्या किया? बसपा के लिए, बसपा वालों ने हमारे लिए मतलब भाजपा वालों ने कुछ नहीं किया है, अगर वो कुछ करते जो दलित लोग पिछड़े लोग हैं उनको आज वो बहुत अच्छी, सपा बसपा ने आप लोगों को लेके क्या किया? बहुत कुछ किया सपा बसपा ने हमारे लिए, बहुत क्या, रामपुर जिले के अंदर जो भी काम हुआ है वो आजम खान जी ने किया है, कोई दूसरी सरकार ने नहीं किया है, जो तुम्हारी भाजपा सरकार है अभी तक जो उन्होंने उर्दू दरवाजा उर्दू के नाम से, क्या मुझे बताइए क्या दिक्कत है उर्दू नाम से, क्यों तोड़वा रहे हैं उसे, ऐसे ऐसे गेट इन्होंने तोड़वाए पुराने जमाने के गेट, क्यों क्या दिक्कत है उनसे ये बताइए। फेल घोटाले की रक्षा मंत्रालय से फाइल चोरी हो गई, चौकीदार को पता ही नहीं, ना उसकी आज तक रिपोर्ट दर्ज हुई, चौकीदार फाइल गई कहाँ, वो फाइल गई कहाँ, वो ये जनता जवाब मांग रही है नरेंद्र मोदी से, जो चौकीदार है देश के, चौकीदार चोर है, जनता ये कह रही है जवाब दो, जवाब दो 5 साल का, यानी कि जनता को भी पता है कि चौकीदारी के राज में जी, जो जो हमारे जो कैग हैं, जो भारत के मतलब नेत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि रक्षा मंत्रालय की फाइल चोरी होगी, कहाँ गई वो फाइल, आपने आज तक किसी थाने में या किसी को सूचना दी का फाइल चोरी हो गई, कहाँ पे सूचना दी? आपने बात की लोको पायलट का, आपने एग्जाम दिया है वहाँ पे जैसे धांधली हो रही है, जिसका पैसे का आपने आरोप लगाया कि पैसे लेकर के वहाँ पे भर्ती के वहाँ पे होती जी भर्ती, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप लोग पकौड़ा बनाइए वो भी रोजगार है, तो इसको फिर कैसे आप जी पकौड़ा रोजगार थोड़ी ना हो गया, ये तो अपना अगर सबसे लास्ट हो ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम बीए एमबीए डिग्री जब हासिल कर रहे हैं तो हम पकौड़ा तलने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार प्राप्त करने के लिए अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाने के लिए, डिग्री लेकर 8,000 रुपए दिखाती है कंपनी, जबकि बीटेक के 4 साल बंदा हुआ कॉलेज में, 4 साल अपने बर्बाद करने के बाद भी जॉब कहीं नहीं है, प्राइवेट कंपनी भी जॉब नहीं दे पा रही है, सब में धांधली चल रही है, बस देखते हैं इस नौकरी लगी हुई अभी तक किसी की नौकरी लगी, अभी तक इतने पढ़े लिखे लोग सब में हैं यहाँ पे, किसी के अभी तक किसी को सरकारी नौकरी लगी है, किसी की नौकरी नहीं लगी हुई है, ये आदम खान इतना काम कराते हैं हमारे पास, किसी पैसा लेके भाग रहे थे, और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, पुलिस उन्हें पकड़ लिया जिनके पास हेलमेट नहीं है, बस उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ लिया पैसा लेके भाग रहा, भाई हेलमेट नहीं पकड़ा इसे पकड़ो, उसे नहीं पकड़ लिया, बस पुलिस भी सब कुछ, प्रशासन भी मोदी जी के कहने पे चल रहा, किसी के कहने पे नहीं चल रहा, जब ये सरकार जाएगी पुलिस भी अपना काम करेगी, वो भी लोकतंत्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लोकतंत्र कहीं दिखाई दे रहा है? बीजेपी के समय में लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, खतरे में ही है, और ये जब बहन बेटियों की शादी हो रही है तो बैंकों में मतलब लाइनें लग रही है, तो गरीब गुरबा बीच रहे हैं, मोटे मोटे पैसे निकाल के लेके जा रहे हैं, तो ये कहाँ की इंसानियत है, ये मोदी जी की सरकार में तो हुआ है, बहन बेटी की शादी है, बेचारे रो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, फिर मतलब लड़के वाले से दुखी हो रहे हैं, तो क्या करेंगे आदमी, तो नोटबंदी करा दी तो पब्लिक की तो गरीबी तो मरे, कोई मोटा थोड़ी मरे, ये किसके उसमें आया चरण में, मोदी जी की तो आया, कभी तो पहले से नहीं आया। चलिए ये मैं बोल लिया, ये थी रामपुर की जनता जिसने, ये इनका ये मत है, ये खासी नाराजगी है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है, और जो अच्छे दिन के वादे किए गए थे वो इनके लिए अभी तक नहीं आए हैं, इनको यहाँ पर सपा के प्रत्याशी आजम खान से बहुत उम्मीदें हैं, और उनकी उनकी जीत का ये लोग दावा कर रहे हैं, हम लोग लगातार आपके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, तब तक के लिए नमस्कार। इतना काम करा है आजम खान ने, कहा किसने नहीं कहा अभी तक, इतना काम करा है आजम खान ने।